पहला क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 11.2 करेंगे। तो आपने सर्कल बना लिया क्या 6 सेंटीमीटर का? मैंने बोला हाँ, और बोला इससे 10 सेंटीमीटर दूर से। चलो ठीक है, इसी को आगे और खींच लेते कितना। अगर ये ओ है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी, ये टोटल कितनी होगी 4। बोला 10 सेंटीमीटर दूर से यहां से, चाहे इसको डी बोलो या इसको आप एक्स बोलो, मतलब है कि इसको अपन क्या बोल देते हैं एक्स, यहां से आपको टेंजेंट टू सर्कल ड्रॉ कर। तो सर अगर अपन बात करें, यहां से अपन ने मोर देन हाफ एक काटी, मतलब किसकी, ओ एक्स की, टेक ओ एक्स ठीक है ना, एंड फ्रॉम एक्स और क्या, फ्रॉम एक्स एंड ओ, फ्रॉम एक्स एंड ओ क्या लो, मोर देन हाफ, क्या लो मोर देन हाफ, एक आक ऊपर ली एक आक नीचे ली, यहां से एक आक ऊपर ली और एक आक नीचे। सर क्या यहां से ऐसा कुछ परपेंडिकुलर आ जाएगा? मैंने बोला हाँ, ऐसा कुछ परपेंडिकुलर आ जाएगा, उसका नाम दे दो क्या, एम। क्या नाम दे दो उसका नाम, एम। नेक्स्ट, अगर वो एम आ गया तो व्हाट इज नेक्स्ट, टेकिंग ओ एम एज रेडियस, ठीक है ना सर। एक्स और ओ से आपने क्या निकाला, सिर्फ आपने बनाया परपेंडिकुलर बायसेक्टर, बनाया आप लोगों ने परपेंडिकुलर बायसेक्टर। सर कैसे बनाया, मोर देन हाफ लेके, क्या लेके बनाया, मोर देन हाफ। अभी टेकिंग ओ एम एज रेडियस, एक पूरा सर्कल ड्रॉ, टेकिंग ओ एम एज रेडियस एक पूरा, अगर अपन बात करें तो सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर अपन बात करें सिस्टमेटिकली, तो इसको नाम देंगे अपन पी और इसको नाम देंगे क्यू, या ए और बी बोल सकते हो, पी और अपन ने कर दिया क्यू। इस एक्स से एक पी की तरफ और इसी एक्स से एक क्यू की तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ठीक है, अच्छी बात थी, मैंने बोला हाँ। अपन सेकंड क्वेश्चन पे देखें तो कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हूज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर व्हिच इज कोसेंट्रिक विद द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। सर कुछ नहीं करना है, एक रेडियस लो अपने राउंडर पे और एक 4 सेंटीमीटर का पहले एक सर्कल बनाओ, ठीक है। तो ये जो पहला सर्कल बन गया कितने का बन गया, 4 सेंटीमीटर का, और उसके बाहर एक और सर्कल बनाओ जो कि कितने का हो, 4 6। तो छोटा वाला सर्कल कितने का है, 4 का, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है, 6। अब आप कुछ मत करो, ये आपका ओ पॉइंट है, इसको बाहर तक ले जाओ, ये क्या हो जाएगा एक्स। जिसको लगता है पिछले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये चेक कर लो, ओ एक्स का, टेकिंग ओ एक्स एज लाइन, टेकिंग ओ एक्स एज लाइन, वापस से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। क्या बनाना है आपको, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, मतलब मोर देन हाफ एक आ काटी, मोर देन हाफ एक आ काटी, मोर देन हाफ एक आ काटी, मोर देन हाफ एक आ। तो सर अगर आपने परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना लिया तो यहाँ पे कहीं वो जो पॉइंट आएगा उसका नाम दे देना एम। क्या नाम दे दोगे, एम, टेकिंग ओ एम एज रेडियस, टेकिंग ओ एम एज रेडियस सर्कल बना लो, क्या बना लो, क्या रेडियस लेना है, टेकिंग ओ एम एज रेडियस सर्कल बना लो, सर्कल, लेकिन OMS रेडियस आप क्या बना लीजिए एक सर्कल। और सर कहीं ना कहीं क्या इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने, इसको नाम दे दो A, इसको नाम क्या दे दो B, यहाँ से चला गया एक्स ए, यहाँ से चला गया क्या एक्स बी, तो एक्स ए एंड एक्स बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, एक्स ए एंड एक्स बी आर required x a and x b are required
एक सर्कल बना लो 3 सेंटीमीटर का, आपको बोला है पी एंड क्यू ऑन इज एक्सटेंडेड डायमीटर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सर सेंटर से कितना सेंटीमीटर है वो 7, तो 3 और 4 मतलब ये पी, और यहां से भी क्या 3 और 4 ये क्या हो गया क्यू। सर ठीक है, मतलब आपके पास सेंटर है और सेंटर से कितना सेंटीमीटर ले लिया आपने 7। अब बोला दोनों तरफ से क्या बना टेंजेंट, ठीक है भाई। अगर मेरे को कोई बोले OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है तो मैं P से राउंडर की टिप रखूंगा, मोर देन हाफ एक आंख काटूंगा, नीचे भी एक आंख, फिर O पे राउंडर की टिप रखूंगा एक आंख, और यहां से एक आंख, यहां पे कहीं पे ऐसी लाइन बन के आएगी, और सर जो भी लाइन आएगी उसको नाम क्या दे देंगे अपन यहाँ पे M, क्या दे देंगे M, टेकिंग OM एज रेडियस एक अपन बना लेंगे सर्कल, टेकिंग OM एज रेडियस एक अपन क्या बना लेंगे सर्कल, यहाँ पे नाम दे दो A और यहाँ पे क्या नाम दे दो B। फिर सर क्या करो, सेम चीज यहाँ पे करो, अगर आपने Q ले लिया है ना सर, ठीक है अपन Q ले लेते हैं ढंग से थोड़ा सिस्टमेटिक स्ट्रेट तरीके से, तो सर अगर अपन ने यहाँ तक Q ले लिया यहाँ पे Q, तो मोर देन हाफ एक आंख काटी, नीचे भी एक आंख काटी, ऊपर भी एक आंख काटी, नीचे भी एक आंख काटी, सर यहाँ पे क्या आ गया N, ठीक है ना। टेकिंग ON एज रेडियस एक सर्कल बना, एक ऐसा क्या बन जाएगा सर्कल, ठीक है ना, ओ एन एज रेडियस। चलो सर अब अगर अपन बात करें तो इसका नाम दे दो C और इसका नाम क्या दे दो A। अब बस सर टेंजेंट के लिए करना क्या है, तलवारें, सर अगर तलवारें करनी ही है ये और ये, और फिर यहां से C और D, C और D, और कितना है डी, तो पी ए और पी बी टेंजेंट बन गए, क्यू सॉरी हाँ सॉरी क्यू से बनाना है, हाँ इस तरफ यहाँ पर अपन ने एन से बना लिया था, इस एन को हटा के क्यू से बनाना है, तो क्यू से बनाना है इसका मतलब कहां से लाइन आनी चाहिए, यहां से, क्यू सी एंड क्यू डी अगेन क्या बन गया टेंजेंट, चेक करो बना, इस तरफ चलना है तो चलते हैं गेम को आगे लेके, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर और एंगल बिटवीन द टेंजेंट कुछ 60। इसका मतलब सबसे पहले तो अपन सर्कल का क्या बना, ये सर्कल बना लिया कितने का ऑफ रेडियस कितना 5, ठीक है ना, चाहो तो थोड़ा बड़ा बना लो, सर्कल ऑफ रेडियस कितना था अपने पास 5, ठीक है ना सर, ठीक है रेडियस 5 था, हमने बोला ठीक है कुछ चिंता की बात नहीं। अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि टेंजेंट्स के बीच में आपसी जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 60, मतलब सेंटर की हिसाब किताब का सेंटर पे कितना बनना चाहिए 120, हाँ कि ना सर, टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 60, टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 60, तो सेंटर पे एंगल कितना होना चाहिए 60। तो सर अगर आप चाहो तो मैं तो रेडियस को यू की जगह यू लूंगा, अगर तुम लोग लो तो मैंने रेडियस ऐसा कर, चाहो तो कैसा भी कर सकते हो, इस पे फिर मैं डी बना लूंगा, क्या बना लिया मैंने डी। सर अगर इस पे आपने पूरा लंबा डी बना लिया तो यहाँ से एक आग काटूंगा 60 और यहाँ दूसरी आग काटूंगा राउंडर की टिप यहाँ पे रख के एक आग 60 दूसरी आग कितनी 120। सर ये पूरा एंगल ओ यहाँ पे पी और यहाँ पे कितना क्यू कितना बन गया 120। तो सर सेंटर पे 120 बन गया क्या, मैंने बोला हाँ। सर टेंजेंट टू रेडियस कितना होता है 90,
टेंजेंट टू रेडियस, तो सर यहाँ पे क्यू पे राउंड के टिप रखूंगा और ऐसा डी बनाऊंगा, क्यू पे राउंड के टिप रखूंगा और ऐसा क्या बनाऊंगा डी। तो बताऊ क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट रख के मोर देन हाफ, वहां पे पॉइंट रख के मोर देन हाफ, तो ऐसा 90 डिग्री की लाइन, ठीक है अच्छी बात है सर, कहीं ना कहीं मैंने बोला हाँ इन दोनों के बिल्कुल बीच से निकलने चाहिए सर। सर फिर यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक ऐसा पूरा डी बना लोगे, मैंने बोला हाँ ऐसा पूरा डी बनाऊंगा, पी पे टिप रख के एक डी बनाऊंगा, फिर यहां से मोर देन हाफ और यहां से मोर देन हाफ, वाह हमारे टेंजेंट तैयार है। चेक कर लीजिए, चेक करने की चीजें ये रहेंगी कि यहाँ पे 90 बना होना चाहिए, यहाँ पे 90 बना होना चाहिए, ये 120 है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ लाइन एबी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है बना लेते हैं भाई, एबी ऑफ लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर, एबी ऑफ लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4, ठीक है भाई ए से सेंटर लिया, एक रेडियस ले लो 4 का, एक किताब किताब लगा के सर रेडियस कितने का ले लो 4 का, तो टेकिंग ए एज सेंटर एंड रेडियस कितना दोस्तों 4, रेडियस कितना अगर अपन बात करें तो रेडियस हो जाएगा 4 सर, ठीक है अगर आप बोलो जैसा सर यहाँ पर रेडियस 4, ठीक है सही है, एंड टेकिंग बी एस सेंटर एक और आप ले लो कितना सर्कल ऑफ रेडियस कितना 3, मतलब बी से सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना, ठीक है यहाँ से 4 का बना दिया, यहाँ से कितना बना दिया 3 का। अब बोला है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर, अब इस सर्कल का सेंटर क्या है ए, और सर्कल का सेंटर क्या है बी, ठीक है तो सर आपको इस वाले सर्कल पे यहां से टेंजेंट बनाना है और उस वाले सर्कल में यहां से, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा ए बी ले लो पूरी, टेक ए बी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तक मतलब ए से लो मोर देन हाफ तक के लो एक आग काटो, फिर बी से लो मोर देन हाफ लो एक आग काटो, यहां से मोर देन हाफ एक आग एक आग, तो सर कहीं ना कहीं यहाँ जो लाइन ऐसी बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी M, और सर बहुत प्यारी तरीके से अगर हम आपसे बोले टेकिंग ओ एम एज रेडियस, एक पूरा सर्कल बना दो ओ एम ए एज रेडियस, टेकिंग एम ए एज रेडियस पूरा सर्कल बना लीजिए, अभी सर इस पे नाम दे दो पी क्यू आर एस, सर कहीं ना कहीं यहां से बी पी बी क्यू बी आर बी आर एस, गो टू क्वेश्चन सेवन अगर अपन लेके चले तो क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल, मैंने बोला ठीक है ट्रायंगल क्या मतलब सेंटर नहीं पता, तो इसमें कोई भी एक कॉर्ड बना लो, एक ए बी कॉर्ड बना दो और एक कहीं से भी सी डी कॉर्ड बना दो, ए बी का मोर देन हाफ एक आग, मोर देन हाफ एक आग, ए से मोर देन हाफ एक आग एक आग, एक लाइन खींचो ऐसी, अगर हम बात करूं तो, और सीडी का मोर देन हाफ एक आग एक आग एक आग एक आग, यहां से भी एक लाइन खींचो ऐसे, जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो हमारा क्या है ओ सर, इसका मतलब आपने ए बी और सीडी का, ए बी का क्या बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है
फिर आपने सी डी का भी क्या बनाया, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। फिर आपने ए बी का भी परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना दिया और सी डी का भी क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। आगे की बात करूं तो इससे किसी भी एक डिस्टेंस लेके बोला एक टेंजेंट बना दो बस, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस ले लो, इसको नाम दे दो एक्स। अब इसका क्या लो, तो इसका कुछ नहीं, मोर देन हाफ लो ओ एक्स की, एकाक 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 एकाक, ठीक है। तो टेकिंग ओ एम एस रेडियस एक सर्कल बना, टेकिंग ओ एम एस रेडियस एक सर्कल बना लो, जो मेन पॉइंट दिखेंगे आपको वो दिखेंगे कौन से, ए और कौन से बी। कहीं ना कहीं एक्स ए एक टेंजेंट हो गया और एक्स बी क्या हो गया, तो एक्स ए एंड एक्स बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है क्या। अब ड्रॉ अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2। अब आप कुछ मत करो, एक लाइन सेगमेंट बना लो ए बी, कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की बना लो। और सर बहुत सिस्टमेटिकली आप नीचे की तरफ कैसी भी एक लाइन खींच दो ऐसी, ठीक है ना, अगर अपन अच्छे से बात करें, बहुत सिस्टमेटिकली समझें कि सर आप इस क्वेश्चन में समझा क्या रहे हो। तो नीचे आपने अगर एक लाइन खींच दी, जाने दो ऐसी, और कोई भी एक डिस्टेंस लेके ए वन ए टू और ए थ्री आग काट। अब एक काम करना पड़ेगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको ये जो एंगल बना है यहां, यही सेम एंगल उस तरफ भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, अपना राउंडर उठाओ, राउंडर की टिप से लेके एक ऐसा यहाँ पे सर्कल बनाने की कोशिश करिए, सेमी सर्कल। सर राउंडर उठा के क्या ऐसा सेमी सर्कल बनाने, मैंने बोला हाँ कुछ भी रेडियस का हो, लेट से वो रेडियस तुम्हारा जो भी हो, लेट से वो रेडियस आपका था 1 सेंटीमीटर, तो सर उस 1 सेंटीमीटर से ही यहाँ पे पूरा पूरा डी बना। सर क्या करा, पहले पहले ये करो कि यहां से जो एक आपने पॉइंट लिया राउंडर की टिप यहाँ पे रखी और पेंसिल से यहाँ पे एक ऐसा एंगल बना दिया, ठीक है, जो भी रेडियस का हो, फिर उसी रेडियस को चेंज करे बिना उसको यहाँ पे रख के यहाँ से आपने पूरा डी बना दिया, ठीक है। रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब उसी राउंडर को उठाओ और राउंडर की टिप यहाँ पे और पेंसिल की टिप यहाँ से, राउंडर से इसकी ये वाला एंगल मेजर करो, तो राउंडर की टिप यहाँ पे और पेंसिल की टिप यहाँ, ठीक है क्या, तो ये एंगल मेजर हो जाएगा। सर क्या इस बार राउंडर का मेजरमेंट चेंज हो सकता है, हाँ, क्योंकि अपन एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये राउंडर का मेजरमेंट आगे पीछे हो सकता है। तो जितना ये राउंडर की टिप यहाँ पे और पेंसिल यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, यहाँ पे राउंडर की टिप, जितना ये मेजरमेंट है उतने की एक आग काट दी। तो सर अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो, जो एंगल नीचे बना है वही एंगल क्या बन जाए, ऊपर, ठीक है ना। ये तो ईमानदारी वाली बात हुई, वरना कुछ मत करना, दिमाग लगाना तो ऐसे ही है, वरना डी से वाला एंगल मेजर कर लेना जैसा कि वैसा एंगल मुझे यहाँ पे, बात खत्म। जो एंगल नीचे बना है, सर नीचे वाला एंगल कुछ भी हो सकता है क्या, हाँ, जो एंगल, लेकिन जो एंगल नीचे बना है क्या वही एंगल ऊपर भी चाहिए, जो एंगल नीचे बना है क्या वही एंगल ऊपर भी चाहिए, हाँ। सर अब ऊपर क्या करो, ऊपर दो आग काट दो, क्या बी वन उतने ही सेम डिस्टेंस की जितने की नीचे काट, समझो अगर आपने यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ऐसे काटी थी, तो यहाँ पे फिर आप बी वन और बी टू ऐसे काट। और विश्वास मानिए अगर आप ए थ्री से बी टू को जोड़ेंगे, ज्वाइन ए थ्री विथ बी टू, ज्वाइन ए थ्री विथ वॉट,
बी टू, अगर आप ए थ्री से बी टू को जोड़ेंगे तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली 3:2 में रख चुकी है। अगर 8 का 3:2 चेक करना चाहें तो आप देखो 3/5 ऑफ 8 कितना होता है, सही होता है 1.6, और 4.8 एक तरफ आना चाहिए, और 2/5 ऑफ 8 कितना होता है, अगर हम बात करूं तो वो 3.2 आना चाहिए। अब ऑटोमेटिकली मेजर करोगे तो इतना पूरा हिस्सा 4.8 आ रहा होगा और इतना पूरा हिस्सा 3.2 आ रहा होगा। सर क्या इसको मेजर